पूर्व सीपीएस राजेश धर्मानी ने केंद्र व प्रदेश सरकार से कोविड-19 के चलते देश में लगे कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंद प्रवासियों को राशन उपलब्ध करवाने के लिए आपातकालीन राशन कार्ड बनाने की मांग की है। बिलासपुर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में पूर्व सीपीएस राजेश धर्मानी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हर व्यक्ति इस वायरस को रोकने के लिए अपने स्तर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला व प्रदेश में इस समय कई प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास स्थानीय राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान दिए जाने वाले राशन से महरूम रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो कई समाज सेवी संस्थाएं इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं, लेकिन जिस तरह लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है, उससे लंबे समय तक इन लोगों की मदद किए जाने की संभावनाएं कम हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को शीघ्र ऐसे प्रवासियों के आपातकालीन राशन कार्ड बनाने चाहिए तथा उन्हें पीडीएस के तहत राशन उपलब्ध करवाना चाहिए। सीपीएस राजेश धर्मानी ने कहा कि मौजूदा समय में गंदम की फसल पककर तैयार है और लोगों ने फसल कटाई भी शुरू कर दी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक थ्रेसरिंग काम करने वालों के पास नहीं बनाए हैं, साथ ही थ्रेसरिंग मशीनरी की रिपेयर करने वाली दुकानें भी नहीं खोली हैं, जिस कारण थ्रेसिंग का कार्य भी प्रभावित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि थ्रेसरिंग करते समय मशीन खराब हो जाती है तो उसकी रिपेयर कहाँ होगी। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वे जनहित में थ्रेसरिंग करने वाले मशीनों की रिपेयर करने वाले दुकानों को भी खोलने की अनुमति प्रदान करें। यहाँ पे मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में ऐसी वैसे भुखमरी की कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे मिले जो हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर जो है काम करने आए हैं, गाँव गाँव में है, खैरों का दुकान चला था, वहाँ पे जो है सैकड़ों लोग जो हैं उसके कटान के लिए आए हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, और इनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड ना होने की वजह से जो भारत सरकार की तरफ से भी राशन कोटा हर भारतीय के लिए सुनिश्चित किया है, उसका लाभ भी उनको नहीं मिल रहा है। तो दिहाड़ी मजदूरी उस समय कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारी सरकार से ये आग्रह है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी आग्रह किया कि इसके लिए जो है आपातकाल राशन कार्ड जो है इशू किए जाएं, और मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो घोषणा की है मुफ्त राशन देने की, लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं है, तो उस तरफ जो है तुरंत कार्रवाई करें, और उसके लिए जो है तुरंत जो है उनको पीडीएस से जो है जिनके कार्ड नहीं भी हैं उनको भी लाभ जो है वो दिया जाए। मैं अभी जो है मनरेगा के काम भी दोबारा से चालू किए जाएं, ताकि लोगों को जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके, और उसमें हमारे यहाँ तो ग्रीन एरिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसी तरीके से जो पंचायत में छोटे मोटे काम होते हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही लोग करते हैं तो वहाँ पर इसमें कोई खतरा लगता नहीं है। दूसरा, इसमें जो अभी फसल हमारी तैयार है, फसल की जो थ्रेसिंग है खास करके, उसके लिए मशीनरी छोटी मोटी मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो इसके लिए भी जो इसकी रिपेयर करते हैं, चाहे प्रेशर की रिपेयरिंग है, मोटर की रिपेयरिंग है, उन दुकानों को भी खोलने की जो है वो सरकार इजाजत दे, उनको गाइडलाइन दे, उनको समझाएं कि किस तरह से आपने बचाव करना है, जो आपके पास कस्टमर आए और अपने अपना खुद का भी और जो ग्राहक आए उनका भी, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि